It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging get contest engineered to give you an experience like none other where you put your knowledge to test and battle it out with the best to bring out the best in you. Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for date till date with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream. Deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy combat. Register now. हेलो एवरीवन हेलो टू ऑल ऑफ यू सो एवरीवन प्लीज कंफर्म बेटा एम आई ऑडिबल एम आई विजिबल क्लियरली टू ऑल ऑफ यू ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी लोग कंफर्म कर देंगे ऑडियो वीडियो इज क्लियर टू एवरी वन हाँ भाई ऑडियो वीडियो क्लियर है ऑडियो वीडियो क्लियर है वेरी गुड हाउ आर यू ऑल कैसे है आप सभी लोग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू हाउ आर यू ऑडियो वीडियो क्लियर है बहुत अच्छी बात है कैसे हो सभी लोग हाउ आर यू ऑल ऑल गुड वेरी गुड सभी लोग बढ़िया है बहुत अच्छी बात है और सभी लोग अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसा आप सभी को पता है दो आर प्रिपेरिंग फॉर गेट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एग्जाम जो लोग भी गेट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ चुके हैं रिलेटेड टू द गेट एग्जाम एक तो डेट्स आपकी अनाउंस हो गई हैं किस किस डेट में आपका गेट का पेपर होने वाला है और कल इंफॉर्मेशन बाउचर भी आ गया है तो आई होप यू ऑल हैविस्टेड दो इंफॉर्मेशन यस और नो क्या पैटर्न रहने वाला है एज यूजल है सारी चीजें नथिंग चेंज बट एक बार फिर भी उसको गो थ्रू कर लीजिए स्पेशली दो आर गोइंग टू अपियर फॉर फर्स्ट टाइम इन गेट एग्जाम एग्जाम के बारे में एग्जाम क्रैक करेंगे कैसे करेंगे सब तो बात की बात है सबसे पहला इंपॉर्टेंट डिस्कशन क्या है कि आपको एग्जाम के बारे में और एग्जाम की रिक्वायरमेंट एग्जाम के पैटर्न इन सब के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ठीक है चलो भाई तो हम लोग भी अपना सर्वेइंग पढ़ रहे थे उसी सिलसिले में और बातचीत को आगे ले चलते हैं और लास्ट क्लास हम लोगों की हुई थी थोड़ी सी तबियत खराब हो गई और उसके बाद एक दो दिन क्लास आपकी नहीं हो पाई नो वरी सो ना गोइंग टू स्टार्ट विद्यू चैप्टर एंड इज द अगला चैप्टर जो हमारा होने वाला है ट्राइवर्स सर्वे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है गेट को बड़ा पसंद है और यहाँ से अच्छे सवाल आपको देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए उनको भी हम लोग समझेंगे और कुछ नए कंसेप्ट के बारे में भी बातचीत करेंगे जहां से आपके अपकमिंग एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं तो गुड मॉर्निंग टू तो ऑल ऑफ यू आई होप यू ऑल आर गुड और सभी लोग रेनी सीजन को एंजॉय कर रहे हैं क्यों भाई हम्म तो कानपुर में तो बढ़िया एकदम बारिश हो रही है तुम्हारे यहां क्या हालचाल है क्यों भाई सुप्रभात कानपुर में एकदम बढ़िया से बारिश चल रही है सर ये तीन दिन मुझे बहुत ज्यादा दिन लगने लगे वाले इसी को कहते हैं वही समझ रहे हो हाँ, बहुत ही बढ़िया इन्जॉय रेनी डेज गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग तीन दिन मुझे भी बहुत ज्यादा लग रहे थे तुम लोगों से इंट्रेक्शन होता रहता है तो चीजें बड़ी सॉर्टेड रहती हैं बट क्या करें समटाइम्स कुछ हो जाता है यार हाँ वेदर चेंज हो रहा है थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है ध्यान रखेंगे सभी लोग क्योंकि आपके लिए टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट सिक्स मंथ ऑलमोस्ट सिक्स मंथ का टाइम बचा हुआ है तो एक एक मिनट को इफेक्टिवली यूटिलाइज करिए और बढ़िया से यूटिलाइज करिए ताकि आप इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए ठीक है तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है ठीक है सब जगह ऑलमोस्ट सब जगह बढ़िया बारिश हो रही है बहुत बढ़िया मैं एकदम ठीक हूँ बेटा चलो तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन बातचीत स्टार्ट करें सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास लेट मी इंट्रोड्यूस माई टू दिस क्लास और वॉचिंग दिस क्लास फर्स्ट टाइम सो आई एम छेतिस सचान आई हैव कम्प्लीटेड माई एम टेक इन स्ट्रक्चर क्वालिफाइड गेट मल्टीपल टाइम विद गुड रैंक दिस इज माई बेस्ट गेट रैंक एज यू कैन सी आई हैव वालसो क्वालिफाइड वेरियस स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम एग्जाम ऑफ वेरियस स्टेट्स सब्जेक्ट जो मैं कवर करने वाला हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे ट्रांसपोर्टेशन सर्वेइंग आरसीसी और सीपीएम किस एग्जाम को टारगेट करेंगे गेट और ये के लिए बट साथ साथ जो स्टेट और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये कोर्स यूजफुल होने वाले हैं सो दिस इज माई रेफरल कोड दैट इज के इंपॉर्टेंस पता है कि नहीं पता पहले चैट बॉक्स में ये बताओ वट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कोड तो इस कोड की हेल्प से यू ऑल कैन एक्सेस ऑल द फ्री फीचर्स ऑफ अन अकेडमी जितने भी फ्री इनिशिएटिव हैंकेडमी की तरफ से आप सभी उनको एक्सेस कर पाएंगे एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट तो अगर आप अपने प्रिपरेशन को प्लान कर रहे हैं अन अकेडमी के साथ सिस्टमैटिक वे में तो आप इस कोड को यूज कर सकते हैं वाई कंप्लीटिंग योर प्लस और आइकोनिक सब्सक्रिप्शन प्रोसेस और जस्ट वाई अपलाइंग दिस कोड यू आर गोइंग टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन कॉस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन अंडर माई पर्सनल गाइडेंस जस्ट बाई यूजिंग दिस कोड तो जैसे ही आप इस कोर्ड को यूज करते हैं यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद मी एंड आई विल बी देयर और मेरी गाइडेंस में आप अपने अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं तो दिस इज द यूटिलिटी ऑफ दिस कोड दैट इज के एस टन तो सब जगह कोड अपलीकेबल अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे जहां पर भी कोड की जरूरत हो बेधड़क होकर इसको यूज करो तो जस्ट डाउनलोड द अन अकेडमी लर्नर ऐप

सिंपली डाउनलोड दी लर्नर ऐप एंड यूज दिस लिए अभी भी टाइम है हा? तो हिम्मत नहीं हारनी भाई तो ऑलमोस्ट सिक्स मंथ्स आर देयर तो ये सिक्स मंथ में भी सिस्टमेटिक तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और यहां से भी रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं तो गेट 2023 के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं लक्ष्य बैच के साथ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं 28 जुलाई से आपका यह बैच स्टार्ट हुआ है सिमिलरली फॉर गेट 2024 यू कैन ज्वाइन द प्रगति बैच और इन सभी बैचेस के लिए इनरोल करने के लिए यू कैन कंप्लीट योर सब्सक्रिप्शन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ दिस कोड दैट इज एंड अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन कॉस्ट तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट है सर आप कुछ शुरू कर रहे हैं तो गेट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री की अगर बात करें तो वेरी सुन वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम एटीन ऑफ अगस्त 18 अगस्त से सर्वेइंग स्टार्ट हो रहा है प्लस में 18 अगस्त से सर्वेइंग स्टार्ट हो रहा है प्लस पे तो आप सभी इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं आज का डाउट फीचर यूज कर पाएंगे वेबसाइट और ऐप की हेल्प से जहां पर आप सिंपली अपलोड कर देंगे अपने डाउट एंड क्वेरीज को एंड यू विल गेट द एग्जैक्ट वीडियो सोल्यूशन इन योर प्रिफर्ड लैंग्वेज तो अभी जो कोर्स चल रहा है हाईवे इंजीनियरिंग का कोर्स चल रहा है गेट ट्वेंटी पॉइंट ऑफ व्यू से और डिजाइन ऑफ पेमेंट लास्ट टॉपिक चल रहा है डिजाइन ऑफ पेमेंट तो आप सभी लोग इस प्लस के को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर गेट 2023, ट्वेंटी थ्री गेट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर और ई एस सी एग्जाम कोर्स आपके लिए यूजफुल होगा तो कंप्लीट योर सब्सक्रिप्शन प्रोसेस यूज दिस कोड एंड गेट द डिस्काउंट तो आप सभी लोग आइकोनिक सब्सक्रिप्शन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस फीचर्स यू कैन इंप्रूव योर प्रिपरेशन जस्ट विजिट द अन अकेडमी ऐप और सभी लोग फॉलो कर लेंगे मुझे कम्युनिटी पे यहाँ पर क्या होगा यू विल गेट द इंफॉर्मेशन एंड अपडेट्स तो सभी जानकारी आपको कम्युनिटी पे मिलती रहेगी तो जस्ट विजिट द अन अकेडमी ऐप एंड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द कम्युनिटी फीचर तो इफ यू आर फेसिंग एनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आप किसी भी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो यू कैन सिंपली कॉल ऑन दिस नंबर इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं एंड यू कैन अवेल द नो कॉस्ट ई एम आई एज वेल एज द लोन ऑप्शन तो नो कॉस्ट ईएमआई और जीरो परसेंट इंटरेस्ट के साथ आप लोन भी अवेल कर पाएंगे पर मंथ आप पेमेंट कर सकते हैं तो जस्ट सिंपली कॉल ऑन दिस नंबर एंड डू मेंशन दिस कोड इस कोड को आपको बताना है और उसके बाद आप सिंपली गेट और ई के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लोन एंड नो कॉस्ट नो कॉस्ट ई ऑप्शन ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है प्राइस हाइक होने वाला है थर्टीएथ जुलाई से आपका प्राइस हाइक हो जाएगा तो एज यू नो यू कैन कंप्लीट योर सब्सक्रिप्शन प्रोसेस बिफोर द प्राइस हाइक और यहां पर आप इस कोड को यूज कर पाएंगे दैट इज तो जो भी आपके अभी एग्जिस्टिंग प्राइजेस हैं उसमें भी आप डिस्काउंट अवेल कर पाएंगे इस कोड की हेल्प से दैट इज के के सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट अपडेट जो आपके लिए है देख लो जरा इसको आराम से समझ लो कई बार क्या होता तो है समझते नहीं है फिर चीजें मिस हो जाती हैं क्या है गेट और ए सी सिविल के सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो आपके पास एक ऑफर है क्या है सर ये ऑफर तो पहली बात तो है तीस जुलाई से आपका प्राइस हाइक हो रहा जो है जो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है बट बिफोर द प्राइज हाइक यू आर गेटिंग टू ऑफर क्या ऑफर है एक तो आपको एक्सटेंशन मिल रहा है एक्सटेंशन मिल रहा है एज यू कैन सी एक्सटेंशन सिक्स मंथ में वन मंथ एक्स्ट्रा मिलने वाला आपको ट्वेल्व मंथ में थ्री मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा एट्टीन मंथ में सिक्स मंथ का एक्स्ट्रा ड्यूरेशन मिलेगा और साथ साथ आपको अनलॉक अनलॉक ट्वेंटी का भी ऑफर मिलने वाला है जहां पर सभी लोग इस कोड को अप्लाई करके अपने सब्सक्रिप्शन में ट्वेंटी परसेंट का ऑफ अवेल कर सकते हैं तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आप सभी के पास और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये प्लस और आइकोनिक दोनों ही सब्सक्रिप्शन के लिए वैलिड है तो देखो ये प्राइजेस होने वाले हैं दीज आर द ऑफर प्राइजेस फॉर एग्जाम्पल वन ईयर के सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें यू कैन कंप्लीट और सब्सक्रिप्शन प्लस एट थर्टी वन थाउजेंड फोर वन टू एंड आइकोनिक की अगर बात करें तो फोर्टी टू थाउजेंड फोर डबल जीरो एंड ऑल्सो यू विल गेट थ्री एक्स्ट्रा मंथ ड्यूरेशन तो आप सभी लोग यह ऑफर आपका जो वैलिड है ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ जुलाई तक है तो आई थिंक टूडे ट्वेंटी एट क्यों भाई आज क्या डेट है आज डेट क्या है एक बार डेट जरा बता देना चैट बॉक्स में आज डेट क्या है तो यह ऑफर आपका वैलिड है ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ जुलाई तक अनलॉक ट्वेंटी एंड एक्सटेंशन बोथ ऑफर यू विल गेट विद द हेल्प ऑफ दिस कोट दैट इज केफर को अवेल कर सकते हैं प्रिंटेड नोट भी आपको मिलने वाले जो ऑलरेडी प्लस और आइकोनिक में है दे कैन गेट द प्रिंटेड नोट ट्वेंटी नाइन्थ जुलाई तक आप इन नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं ले सकते हैं और बातचीत को स्टार्ट करते हैं और बातचीत चल रही थी हमारी बातचीत चल रही थी हमारी क्या चल रही थी अरे बता भी दो ठीक है तो चैप्टर चैप्टर वाइज समझेंगे सर चैप्टर वाइज ज्यादा समझ में आता है फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग बताते जाना कंप्लीट हो गया है कि नहीं हो गया चैप्टर टू लीनियर मेजरमेंट लीनियर मेजरमेंट चैन एंड टेप सर्वेइंग चैन और टेप सर्वेइंग के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करी थी हम लोगों ने जहां तक मुझे याद आ रहा है एंगुलर मेजरमेंट एंगुलर मेजरमेंट में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कंपास सर्वेइंग, कंपास सर्वेइंग के बारे में बातचीत कर ली थी अगला डिस्कशन होने वाला दैट विल बी रिलेटेड टू द ट्राइवर सर्वे ट्राइवर सर्वेइंग यार थोड़ा थोड़ा सुना सुना नहीं लग रहा है क्या पहले कुछ जानते हो ट्राइवर्स के बारे में कुछ पता है ट्राइवर्स के बारे में यस और नो ये कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं चलो ठीक है छोड़ो हाँ भाई तो पहले हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किया था कि ट्राइवर्स के बारे में अच्छा पूरा पढ़ा दिया था सब तुम्हें पता है बस मुझे ही कुछ नहीं पता है क्यों हा? सब पहले ही पढ़ा दिया है ठीक है तो ट्रैवर्स का बेसिक समझते हैं पहले ट्रैवर्स का बेसिक समझते हैं कुछ बातें हम लोगों ने डिस्कस करी थी कि सर ट्रैवर्स आर सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस और जिनकी हेल्प से आप बेस्ड ऑन द मैथडोलॉजी कौन सा मैथड आप अप्लाई कर रहे हैं टू कलेक्ट द डेटा उसके बेसिस में आपने सर्वेइंग का क्लासिफिकेशन किया था और उसमें आपने बोला था कि सर एक ऑप्शन हमारे पास ये भी ट्रैवल सर्वे जैसे समझो तो फॉर एग्जाम्पल ये कोई जगह थी अब यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं ये मेरा घर ये तुम्हारा घर ये तुम्हारे दोस्त का घर यहाँ पर कोई वॉटर बॉडी भी है समथिंग लाइक दिस यहाँ पर ट्री भी लगे हैं ठीक है तो इस तरीके का कोई फीचर है जिसकी आपको मैप प्रिपेयर करना है यू हैव टू प्रिपेयर द मैप तो आपने बोला सर इस पर्टिकुलर जगह में सर्वे करने के लिए हम जो मेथड मैथरोलोज, मैथोलॉजी सेलेक्ट करने वाले हैं वो मैथोलॉजी होगी ट्रैवर्स अब ट्रैवर्स का मतलब क्या है वी विल परफॉर्म द ट्रैवर्सिंग तो ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या यू हैव कवर्ड द इंटायर एरिया विद द हेल्प ऑफ द सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस। इस तरीके से आपने अलग अलग लाइंस की हेल्प से इस पूरे एरिया को कवर कर लिया अब इसके रिस्पेक्ट में आपने क्या कर लिया सारे मेजरमेंट्स परफॉर्म कर लिए तो यह मेथड जो आपने यूज किया इसको बोलते हैं ट्राइवर्स सर्वे जब कभी भी ट्राइवर्स सर्वे की बात करेंगे जब कभी भी ट्राइवर्स सर्वे की बात करेंगे तो तुम्हें नहीं लगता दो इंपॉर्टेंट मेजरमेंट्स हमें परफॉर्म करने इफ वी टॉक अबाउट द मेजरमेंट्स सो इफ वी टॉक अबाउट द मेजरमेंट्स इन द ट्राइवर्स तो एक आपको करना था लीनियर मेजरमेंट एक आपको करना था लीनियर मेजरमेंट और दूसरा आपको करना था एंगुलर मेजरमेंट लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट देखो तो लीनियर मेजरमेंट की अगर आप बात करें तो सभी लाइन की लेंथ को आप मेजर कर सकते हैं एल वन एल टू एल थ्री एल फोर एंड सो ऑन और आप सभी लाइन की बियरिंग्स को मेजर कर सकते हैं तो किसी भी ट्राइवर सर्वे में किसी भी ट्रैवल सर्वे में दो तरीके के मेजरमेंट्स मुझे परफॉर्म करने पड़ेंगे वन विल बी द लीनियर मेजरमेंट एंड अनदर विल बी द एंगुलर मेजरमेंट अच्छा तो मेरा एक सवाल है मेरा सवाल तुमसे यह है क्या कंपास और टेप की हेल्प से ट्रैवर्सिंग करा जा सकता है कैन बी परफॉर्म द ट्रेवर्सिंग विद द हेल्प ऑफ द कंपास एंड टेप बोलो भाई क्या कंपास और टेप की हेल्प से ट्रावर्सिंग हो सकता है अच्छा क्या थ्योडोलाइट क्या थ्योडोलाइट और टेप की हेल्प से क्या थ्योडोलाइट और टेप की हेल्प से ट्रावर्स हो सकता है क्या थियोडोलाइट और टेप की हेल्प से भी हम ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं अच्छा कंपास और टेप से भी कर सकते हो और थियोडोलाइट से भी कर सकते हो अरे वाह अच्छा क्या हम टोटल स्टेशन की हेल्प से क्या हम टोटल स्टेशन की हेल्प से ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं कैन बी परफॉर्म द ट्रेवर्सिंग विद द हेल्प ऑफ द टोटल स्टेशन इसका मतलब क्या है कि अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो एक इंस्ट्रूमेंट आपके पास होना चाहिए जिससे आप लीनियर मेजरमेंट परफॉर्म कर पाए एक इंस्ट्रूमेंट आपके पास होना चाहिए जिससे आप एंगुलर मेजरमेंट परफॉर्म कर पाए और आप इन दोनों इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं कैन वी कंक्लूड लाइक दिस कैन वी कंक्लूड लाइक दिस बोलो भाई बोलो बिल्कुल तो ये इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे हैं बेस्ड ऑन द मेथड यूज फॉर कलेक्टिंग द डेटा इन इज लीनियर मेजरमेंट एंड अनदर इज एंगुलर मेजरमेंट विद एनी इंस्ट्रूमेंट वी कैन परफॉर्म द लीनियर मेजरमेंट एंड एंगुलर मेजरमेंट वी कैन यूज द ट्राइवर सर्वे वी कैन डिफाइन द्राइवर सर्वे एंड वी कैन कलेक्ट द डेटा चलो ये थोड़ा अप्लीकेशन की बात हो गई तो बिल्कुल अगर इसके टाइप्स और ये होता क्या था ये सब कुछ तुम्हें पता है की मैं इसको क्या लिख देता हूं सीरीज ऑफ कनेक्टेड सर्वे लाइन फिर आपने बोला था सर इसके टाइप के बारे में बता दीजिए इसके टाइप के बारे में बता दीजिए तो टाइप के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था एक था अपना ओपन ट्राइवर्स एक था अपना ओपन ट्रैवर्स और दूसरा था अपना क्लोज ट्रैवर्स तो इसमें क्या था दिस इज द ओपन ट्रैवर्स लेट्स ए बी सी डी ई ए बी बी सी सी डी डी ऑल द लाइंस आर देयर ऑल द लाइंस आर कनेक्टेड टू ईच अदर बट इस ट्रावर्स की अगर बात करें तो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट सेम पॉइंट नहीं है देर आर टू सेपरेट पॉइंट ए इज द स्टार्ट पॉइंट एंड ई इज द एंड पॉइंट ऐसे ट्रेवर्स को आपने बोला था ओपन ट्रेवर्स बट कभी अगर ऐसा होता है कभी अगर ऐसा होता है लेट से दिस इज योर ए बी सी डी तो ए बी लाइन इज कनेक्टेड टू बी सी बी सी इज कनेक्टेड टू सी डी एंड सी डी इज कनेक्टेड टू डी ए देर इज ए फॉर्मेशन ऑफ क्लोज लूप इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर एक क्लोज लूप का फॉर्मेशन होना चाहिए और अगर आप इस पहले वाले एग्जाम्पल को एनालाइज कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं यहां पर जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज है तो यू कैन से दिस इज द वाइज क्लोज ट्रेवर्स और एक और ट्रेवर्स आप देख सकते हैं दिस इज समथिंग लाइक दिस तो ए बी सी डी यहां पर जो आपका लूप फॉर्मेशन हो रहा है वो एंटी क्लॉक वाइज हो रहा है तो इस तरीके के ट्रैवर्स को आप बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक वाइज क्लोज ट्रेवर्स एंटी क्लॉक वाइज क्लोज ट्रैवर्स ये सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है ऑल दीज पॉइंट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड कुछ नया कुछ नया अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा बहुत क्वेश्चन नहीं पूछ रहे सर आज आप हा? एक क्वेश्चन है चलो मान लो ग्राउंड ग्राउंड की बात करें एक अपने पास एक ग्राउंड है और ग्राउंड में ये जो ये कोई आपका एक ट्रैवर्स था ए बी सी डी दिसवर्स ऑन द ग्राउंड तुम कोई भी मेथड कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर लो अब तुम इतने समझदार हो चुके हो कि सर अगर मुझे इस ट्राइवर्स को लोकेट करना है या इस ट्रैवर्स का डेटा कलेक्ट करना है सर ओपन ट्रैवर्स दोनों स्टेशन नोन होंगे होते हैं क्या सर जी स्टेशन नोन होते मतलब स्टेशन नोन होते मतलब अरे यार ये मेरा घर ये था मेरा घर ये था तुम्हारा घर और ये था अपने प्यारे से जल्दी बताओ किसका घर है ये ये मेरा घर ये मेरा घर ये तुम्हारा घर ये किसका घर है जल्दी बताओ रवेंद्र बोलो बेटा बता रहा हूं बेटा एक एक करके बता रहा हूं बिल्कुल तो ये अपने प्यारे से विनोद का घर ठीक है तुमने हम सबके घरों की लाइंस को मिला दिया तुमने बोला सर अपने घर से आपके घर को कनेक्ट कर देते हैं और अपने घर से तुमने क्या कर दिया विनोद के घर के कनेक्ट कर दिया ये कैसा ट्रावर्स है तो ये ए हो गया ये बी हो गया लट से ये सी हो गया तो दिस इज द ओपन ट्राइवर्स दिस इज द ओपन ट्रावर्स यस और नो किस बच्चे का क्या डाउट है सर ओपन ट्राइवर्स में दोनों स्टेशन नोन होते हैं क्या पता है कि नहीं पता है बोलो हाँ बिल्कुल अगर बात करेंगे सर इस ट्राइवर्स में देखें तो इस ट्राइवर्स का ये स्टार्ट पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है क्योंकि स्टार्ट और एंड पॉइंट सेम नहीं है यहां पर किसी भी तरीके के लूप का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है इसलिए आपने इसको बोल दिया ओपन ट्राइवर्स इसलिए आपने इसको बोल दिया ओपन ट्राइवर्स क्लियर है बेटा ठीक है हाँ एक कोई डाउट और था सर अगर सर अगर एंड <coughs> पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता हैं तो क्लोज ट्रैवर्स होगा अरे मेरे भाई कोऑर्डिनेट्स तो तुम्हें इन सारे ही पॉइंट के पता है अभी डिफाइन कर देंगे कोऑर्डिनेट्स तो इन सारे ही पॉइंट के पता होंगे क्लोज ट्रैवर्स होने के लिए कंडीशन इंपॉर्टेंट क्या है कि देयर शुड बी अ फॉर्मेशन ऑफ द लूप स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट ऑफ द ट्रैवर्स शुड बी द सेम पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंड पॉइंट ऑफ द ट्राइवर सुड बी द सेम पॉइंट एंड देर फॉर्मिंग अलोज लूप लूप में भी क्लॉक वाइज लूप में भी एंटी क्लॉगवाइज लूप आपका क्लॉग वाइज भी हो सकता है और लूप आपका एंटी क्लॉगवाइज भी हो सकता है सोमेश जी कृपया चैट बॉक्स में बता दीजिए कि डाउट क्लियर हो गया यस और नो बोलो भाई यस yes. चलें फिर आगे हैं आदेश करिए सर आगे चलें थोड़ी और बातचीत कर ली जाए ठीक है तो मेरा क्वेश्चन तुमसे ये था कि अगर ग्राउंड में आप ये ट्रैवर्स कैसा दिख रहा है जो पढ़े हो उसके बेसिस पे नाम बताओ तो तुम बोलोगे सर दिस इज द क्लॉक वाइज क्लोज ट्रैवर्स बोलो भाई ये सर्वे लाइंस जो है वो कनेक्ट हो रही हैं और एक फॉर्मेशन ऑफ लूप कर रही हैं और ये लूप जो है डायरेक्शन जो है वो क्लॉक वाइज है इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं क्लॉक वाइज इसको हम लोग बोल सकते हैं क्लॉकवाइज क्लोज ट्राइवर्स चलो तुम्हें करना था ट्राइवर्स सर्वे तुम बहुत तेज हो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे तुमने बोला सर लीनियर मेजरमेंट के लिए L1, L2, L3 एल फोर इन सबको मेजर करने के लिए हम लोग यूज कर लेंगे इन सबको यूज कर ले कुछ पूछ दिया किसी ने आयुष सर ट्राइवर्स में लोकेशन स्टार्ट स्टेशन की पता है बट लास्ट स्टेशन की ना मालूम हो तब वो ओपन ट्राइवर्स होगा अरे तुम्हें कोई भी लोकेशन ना मालूम हो अरे मेरे लाल कैसी बातें कर रहे हो आयुष तुम्हें किसी भी पॉइंट की पोजीशन नहीं मालूम है चलो ना तुम्हें ए को पता है ना बी पता है ना सी पता है ना तुम ए को डिफाइन कर पा रहे हो ना तुम बी को डिफाइन कर पा रहे हो ना तुम सी को डिफाइन कर पा रहे हो तब भी रहेगा तो ये ओपन ट्राइवर्स ही ना बेसिक बेसिक डिफाइन कैसे कर रहे हो आपने बोला सर किसी भी ट्राइवर्स का इसीलिए मैंने पहले बोला तब मैं बता रहा था तब तुम बोल रहे थे सब आप बता चुके हो सर ना? तो सबसे पहले मैंने डिफाइन किया ट्राइवर्स क्या होता है तो आपने बोला सर ट्राइवर्स इज द सीरीज ऑफ कनेक्टेड सर्वे लाइंस तो सबसे पहले तो ये चेक करो क्या सर्वे लाइन कनेक्ट हो रही है बोलो तो तुमने देखा सर हां ए बी लाइन कनेक्ट हो रही है बी सी आगे और लाइन होती तो ये दे आर कनेक्टिंग तो ये ट्राइवर्स है ये ट्राइवर्स है ये समझ गए यस और नो बोलो चैट बॉक्स में ये ट्राइवर्स हम ये समझ गए यस और नो फिर आपने दूसरा पॉइंट बोला कि सर अब हम देख लेंगे ट्राइवर्स ओपन ट्राइवर्स है या क्लोज ट्राइवर्स है तो आपने बोला सर अगर कोई फॉर्मेशन ऑफ लूप बन हो रहा है जहां से ट्राइवर्स स्टार्ट हुआ था वहीं पर ट्राइवर्स आके कंप्लीट हो रहा है समथिंग लाइक दिस तो ये क्लोज ट्राइवर्स है ये स्टार्ट पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है तो ये ओपन ट्राइवर्स है इसमें पॉइंट की इंफॉर्मेशन पॉइंट की पोजिशन पता है या नहीं पता है ये डाउट कहां से आ गया हा? बोलो आई होप द एंटायर डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं। अभी भी अगर किसी को कोई डाउट है रिलेटेड टू द डेफिनेशन ऑफ द ट्रैवर्स एंड द ओपन ट्रैवर्स एंड द क्लोज ट्रैवर्स यू कैन आस्क योर डाउट यू कैन आस्क योर क्वेरी तब फिर आगे बातचीत करी जाए तो मेरा सवाल यह था कि सर एक ग्राउंड में आपने ट्राइवर सेलेक्ट किया था तो आपने हर लाइन की लेंथ मेजर कर ली और मान लो कंपास को यूज कर रहे हैं तो इनकी फोर बियरिंग और बैक बियरिंग को भी मेजर कर लिया ये तुम्हारा फील्ड मेजरमेंट हो गया तो आपने बोला सर लाइन है ए बी लाइन है बी सी लाइन है सी डी और लाइन है डी ए तो इनकी जो लेंथ होगी लेट्स से इनकी जो लेंथ होगी वो L1 L2 L3 L4 हो गई फोर बेयरिंग थीटा1 थीटा2 थीटा3 थीटा4 हो गया बैक बेयरिंग अल्फा1 अल्फा2 अल्फा3 अल्फा4 हो गया ये फील्ड में आपने मेजरमेंट कर लिए ये आप आप गए एज अ सर्वेयर और आपने इन सभी लाइंस की लेंथ को मेजर कर लिया और इन सभी लाइंस की फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग को भी मेजर कर लिया और इस तरीके का फील्ड डेटा इकट्ठा कर लिया किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से किया है तुम्हारी मर्जी किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से किया है तुम्हारी मर्जी सर कंपास सर्वे में इंक्लूडिंग एंगल क्या होता है तो पुरानी वाली क्लास में देखा करो हम्म इंक्लूडेड एंगल इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल सबकी बातचीत होगी यहां पर ठीक है तो बता रखा मैंने डोंट वरी फॉर दैट तो आपने बोला सर ये फील्ड डेटा किया अब इस फील्ड डेटा को लेके कहां पहुंचे इस फील्ड डेटा को लेके आप पहुंचे ऑफिस में ऑफिस में आपने लिया एक पेपर ऑफिस में आपने लिया एक पेपर सबसे पहले तुमने डिफाइन किया पॉइंट ए को तो किसी भी तरीके से आपने पॉइंट ए को डिफाइन कर दिया अब पेपर में डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि आप बनाना चाह रहे हैं उस जगह का मैप तो वी आर यूजिंग द स्मॉल लेटर्स स्मॉल लेटर्स कर रहे हैं तो ए आपने पॉइंट को लोकेट कर लिया जो भी स्केल आपको डिफाइन करना था आपने स्केल डिफाइन कर दिया वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू टेन मीटर लेट्स से और उसके हिसाब से इस इंफॉर्मेशन को प्लॉट करना आपने शुरू किया अब आपको लोकेट करना पॉइंट बी तो एक लीनियर मेजरमेंट हो गया एल एक एंगुलर मेजरमेंट हो गया थीटा वन और एज पर द स्केल आपने एल और थीटा वन की बेसिस पे के हेल्प से पॉइंट बी को भी लोकेट कर लिया कोई तकलीफ यहां तक कोई तकलीफ यहां तक जल्दी बोलो भाई एनी प्रॉब्लम टू एनी वन फ्रॉम स्टेशन ए विद द हेल्प ऑफ वन लीनियर मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ वन एंगुलर मेजरमेंट यू हैव लोकेटेड द पॉइंट स्मॉल बी एंड सो ऑन फिर आपने किसी तरीके से लोकेट कर लिया पॉइंट सी को दिस इज योर पॉइंट सी फिर आपने लोकेट कर लिया पॉइंट डी को दिस इज योर पॉइंट डी ये हो गया पॉइंट डी और जब आपने डी से ए को प्लॉट किया एल वन एल टू एल थ्री और एल फोर और थीटा फोर को जब प्लॉट किया तो सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस क्या आपने फील्ड में करेक्ट डेटा करेक्ट डेटा मेजर किया है बोलो आपको उस पर्टिकुलर इस जगह का जो मैप था ये ग्राउंड कंडीशन है ये ए बी सी डी थे जब आपने सभी मेजरमेंट्स को सभी डेटा को पेपर में प्लॉट किया तो सिचुएशन कुछ ऐसी देखने को मिल रही है तुम्हें क्या लगता है ये उस जगह का करेक्ट मैप है या इनकरेक्ट मैप है ये उस जगह का करेक्ट मैप है या इनकरेक्ट मैप है क्या फील हो रहा है तो ये ए था ये बी था ये सी था डी था और ये आपका एक पॉइंट आपको मिलना ए डैश तो मैं नहीं लगता है ये रेड कलर से जो दिखा दिया मैंने ये रेड कलर से जो दिखा दिया ये गलती हो गई है अरे भाई जो ट्रैवर्स ग्राउंड में क्लोज ट्रैवर्स था तो उसका जब मैप बनाओगे तो भी तो क्लोज ट्रैवर्स ही होगा यस और नो बताओ भाई यस और नो कैन नॉट से करेक्ट मैप ऑफ दैट ग्राउंड बिकॉज ऑन द ग्राउंड ऑल दर दिसन ट्रैवर्स इसका मतलब खेल हो गया है। इसका मतलब खेल हो गया, है। मतलब खेल हो गया है। ऐसी जो एरर होती है ना ऐसी जो एरर होती है इस एरर को बोलते हैं हम लोग क्लोजिंग एरर बहुत डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे बट इससे जान पहचान तुम्हारी करा दी है इसको बोलते क्लोजिंग एरर या फिर एरर ऑफ एरर ऑफ क्लोजर ये जो क्लोजिंग एरर है ऐसा क्यों होता है व ऐसा क्यों होता है ये तो जवाब तुम ही मुझे दे दो ऐसा क्या जादू हो गया कि जो ग्राउंड में ट्रैवर्स क्लोज ट्रैवर्स था वो फील्ड में जाके सॉरी वो पेपर में जाके ओपन ट्राइवर्स रह गया ऐसा क्यों होता है वॉट इज द रीजन वाई रीजन ऐसा क्यों हो गया कोई बताएगा तो नारायण साहब पूछ रहे हैं ऐसा क्यों हो गया सर कि जो ग्राउंड में क्लोज ट्राइवर्स था जब उसी की इंफॉर्मेशन को मैंने प्लॉट किया पेपर में तो ये ओपन ट्राइवर्स हो गया ऐसा क्यों हो गया कोई बताएगा चैट बॉक्स में कोई बताएगा चैट बॉक्स में बिल्कुल भैया एरर हुई है कहां पर एरर हुई है ये जो मेजरमेंट आपने किए हैं इन मेजरमेंट्स में कुछ ना कुछ आपसे गलती हुई है या तो आपने कुछ एंगल्स गलत मेजर कर लिए हैं या तो आपने कुछ लेंथ गलत मेजर कर ली है या दोनों गलत मेजर कर ली है और ये एरर जो है वो किसी भी वजह से हो सकती है दिस दिस मे मे बी बी ड्यू टू द द ह्यूमन एरर इंस्ट्रूमेंटल एरर एरर दिस मे बी द नेचुरल ये तुम्ही ने तो परफॉर्म किए हैं इस बात की गारंटी दो कि ये जो तुमने मेजरमेंट किए हैं हंड्रेड परसेंट करेक्ट है अगर ये इंफॉर्मेशन हंड्रेड परसेंट करेक्ट होती अगर ये मेजरमेंट्स बिल्कुल एक्यूरेट होते तो मेरे लाल जब तुम इसको प्लॉट करते तो तुम्हें क्लोज ट्राइवर्स ही मिलता तो तुम्हें क्लोज ट्राइवर्स ही मिलता अब क्या करें तो सर ने तो भेजा था सर्वे करने के लिए सर ने भेजा था इस जगह का सर्वे करने के लिए और कहा था मैप बना के देना और तुम सर को यह वाला मैप दे रहे हो तुम सर को यह मैप दे रहे हो तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है भाई एक्सेप्टेबल नहीं होगा क्या बोलते हो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर अ क्लोज ट्राइवर्स यू आर प्रोवाइडिंग द मैप एज ओपन ट्राइवर्स दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल अब अब क्या करें चलो देखेंगे इसका क्या सॉल्यूशन है अगर आप इस क्लोजिंग एरर को खत्म करना चाहते हैं या फिर एरर ऑफ क्लोजर को खत्म करना चाहते हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा या तो आप फील्ड में जाइए और दोबारा से मेजरमेंट परफॉर्म करिए सभी लीनियर मेजरमेंट और सभी एंगुलर मेजरमेंट को परफॉर्म करिए वो तुमसे हो नहीं पाएगा अरे सर बार बार यही करते रहेंगे क्या मान लीजिए दोबारा गए फिर से कोई एरर आ गई अब हमें तो नहीं पता चलेगा मान लीजिए सब कुछ सही है कोई एक एंगल गलत हो गया और जब ये एंगल गलत हो जाएगा तो फिर से एरर आ जाएगी बार बार यही करते रहेंगे क्या तो अभी मैंने केवल ये इंट्रोड्यूस किया है क्लोजिंग एरर को क्लोजिंग एरर या फिर एरर ऑफ क्लोजर होता क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं और वाट करेक्शन वी कैन अप्लाई टू एलिमिनेट दिस एरर ऑफ क्लोजर और क्लोजिंग एरर दैट विल बी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन ठीक है चलो पता तो चल गया कि पढ़ाई कर क्यों रहे हैं ट्राइवर सर्वे में क्यों आए हम लोग ये समझ में आ गया देखो यहां पर ट्राइवर सर्वे में कुछ टर्म में डिफाइन कर रहा हूं कुछ टर्म में डिफाइन कर रहा हूं इंपॉर्टेंट टर्म है इसको बोलते हैं लैटिट्यूड एंड डिपार्चर लैटीट्यूड एंड डिपार्चर समझना जरा ध्यान से किसी भी लाइन के लिए किसी भी लाइन का आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर इन द फॉर्म ऑफ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर जरा समझना तो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी सहूलियत के लिए मैंने एक ले लिया ओपन ट्रेवल्स ये ओपन ट्रेवल्स है बोलो ए बी सी डी ई ये ओपन ट्रेवल्स है ये और नो दिस इज द ओपन ट्रेवल्स दैट यू कैन सी अब मैंने क्या बोला कि फॉर एनी ओपन ट्रेवर्स और फॉर एनी क्लोज ट्रेवर्स और यू कैन से फॉर एनी ट्रेवर्स हर लाइन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लैटीट्यूड एंड डिपार्चर क्या होता है लेटीट्यूड एंड डिपार्चर चलो भाई तो अगर हम बात करें ए बी लाइन की तो ए बी लाइन के लिए तो मुझे लगता दिस इज गोइंग टू बी द ईस्ट दिस इज गोइंग टू बी द वेस्ट ये अपना नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा ये नॉर्थ हो जाएगा ये साउथ हो जाएगा

किसी भी लाइन का प्रोजेक्शन ध्यान से सुनना किसी भी लाइन का प्रोजेक्शन ऑन द नॉर्थ साउथ एक्सिस किसी भी लाइन का प्रोजेक्शन अगर आप नॉर्थ और साउथ एक्सिस में कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा दिस विल बी द लेटिट्यूड ऑफ दैट लाइन ये लाइन आपकी एबी है और अगर आप इसको नॉर्थ एंड साउथ में प्रोजेक्ट करेंगे नॉर्थ साउथ एक्सिस में प्रोजेक्ट करते हैं तो तुम्हें नहीं लगता है दिस विल बी द रिप्रेजेंटेशन ये होगी लाइन दिस कैन बी दैटीट्यूडीट्यूड लाइन इज एल अगर ये L है, ये थीटा है, तो लैटीट्यूड विल बी इक्वल टू एल कॉस थीटा लैटीट्यूड को हम डिफाइन कर सकते दट इज एल कॉस थीटा बोलो भाई कहा गए बोलो किसी भी लाइन का प्रोजेक्शन अगर आप नॉर्थ साउथ एक्सिस में ले रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं लेटिट्यूड सिमिलरली अगर सेम लाइन ए बी के लिए सेम लाइन ए बी के लिए अगर आप इसी लाइन का प्रोजेक्शन ले लेते हैं ईस्ट वेस्ट एक्सिस में ईस्ट वेस्ट एक्सिस में तो दिस विल कंसीडर एज द डिपार्चर ऑफ दैट लाइन इसी लाइन को आप बोलने वाले हैं इसी मेजरमेंट को आप बोलने वाले हैं डिपार्चर इसी लाइन को आप बोलने वाले हैं डिपार्चर एंड दिस डिपार्चर विल बी इक्वल टू एल साइन थीटा चलो तो नारायण का कहना है सर एक बार लैटीट्यूड और डिपार्चर फिर से बता दीजिए अब नारायण ने कहा है तो मैं कैसे मना कर दूं तो व्हाट डू मीन बाय द लेटीट्यूड ऑफ एनी लाइन तो इट इज इट इज द प्रोजेक्शन इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ एनी लाइन ऑन उाइल नॉर्थ साउथ एक्सेस नॉर्थ साउथ एक्सेस सिमिलरली वॉट विल बी द डिपार्चर डिपार्चर क्या होगा तो इट इज द प्रोजेक्शन इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ एनी लाइन ऑफ एनी लाइन ऑन ईस्ट वेस्ट एक्सेस ईस्ट वेस्ट एक्सेस तो हर लाइन को आप उसके लैटिट्यूड और डिपार्चर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बोलिए भाई नारायण जी नारायण जी पॉइंट क्लियर है यस और नो किसी भी लाइन का अगर आपको एंगल पता है लेंथ पता है तो यू कैन टेक द प्रोजेक्शन ऑन द नॉर्थ साउथ एक्सिस दैट विल बी द लैटिट्यूड एंड सिमिलरली यू कैन टेक द प्रोजेक्शन ऑन ईस्ट वेस्ट एक्सिस दैट विल बी द डिपार्चर तो वही मैंने यहां पर करके दिखाया था यह ए बी लाइन है ए बी लाइन का जब नॉर्थ साउथ एक्सिस में प्रोजेक्शन लिया अब देखो कहां पर प्रोजेक्शन आएगा कब प्रोजेक्शन नॉर्थ में लोगे कब प्रोजेक्शन साउथ में लोगे ये अभी बताऊंगा जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट लाइन एक लाइन की बात और कर लेते हैं मान लो ये लाइन है ए बी तो ऑब्वियसली यू विल टेक द प्रोजेक्शन दिस इज गोइंग टू बी दैटीट्यूड एंड दिस इज गोइंग टू बी द डिपार्चर तो अभी आपने क्या करा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अब इस ए बी लाइन के लिए आप लैटीट्यूड डिफाइन कर रहे हैं साउथ में डिपार्चर डिफाइन कर रहे हैं वेस्ट में तो so, आप लैटीट्यूड नॉर्थ में भी डिफाइन कर सकते हैं लैटीट्यूड साउथ में भी डिफाइन कर सकते हैं सिमिलरली डिपार्चर ईस्ट में भी डिफाइन कर सकते हैं और डिपार्चर वेस्ट में भी डिफाइन कर सकते हैं क्लियर है कंफ्यूजन सर आप बोलेंगे किसी लाइन का डिपार्चर अब मान लीजिए आप बोल रहे डिपार्चर ईस्ट में मैं अगर उसको समझ गया वेस्ट में तो दिक्कत हो जाएगी नहीं हो जाएगी बोलो इसका प्रैक्टिकल यूज समझो इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है कि मैंने बोला कोई एक लाइन है मैंने बोला कोई एक लाइन है उसका जो लैटीट्यूड है उसका जो लैटीट्यूड है वो मान लो कितना है प्लस सत्तर और डिपार्चर जो है डिपार्चर जो है वो है प्लस का तीस तो फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द लाइन तो क्या आपको तो क्या आपको इन लैटिट्यूड एंड डिपार्चर से पोजीशन पता चल जाएगी अभी समझ में आ रहा है थोड़ी देर रुक जाओ अभी आपको समझ में आ जाएगा वाई वी आर डिफाइनिंग दैटिट्यूड एंड डिपार्चर बोलो अब आप लाइन को डिफाइन कर रहे हैं केवल उसके लैटीट्यूड एंड डिपार्चर से तो मैंने एक कन्वेंशन ले लिया कि जब कभी भी मैं प्रोजेक्शन नॉर्थ में लूंगा तो मैं उसको बोलूंगा पॉजिटिव लैटीट्यूड जब कभी मैं प्रोजेक्शन साउथ में लूंगा तो इसको मैं बोलूंगा निगेटिव लैटीट्यूड इसको मैं बोलूंगा निगेटिव लेटिट्यूड सिमिलरली जो ईस्ट में प्रोजेक्शन होंगे उनको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव डिपार्चर और जो प्रोजेक्शन आप वेस्ट में लेंगे उसको हम लोग बोलेंगे निगेटिव डिपार्चर भाई डिफरेंशियट तो करना पड़ेगा ना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इनको डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा ना अब आप नॉर्थ में लैटिट्यूड डिफाइन कर रहे हैं मैं उसको साउथ में कंसीडर कर रहा हूं तो तो लाइन की पोजीशन गलत हो जाएगी ना तो जस्ट टू मेक द थिंग इजी और इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे तो वी आर कंसीडरिंग दिस साइन कन्वेंशन कि लैटिट्यूड जो नॉर्थ में होंगे उनको आज आज के बाद हम लोग पॉजिटिव लैटिट्यूड बोलेंगे जो भी लैटिट्यूड साउथ में प्रोजेक्शन आप लोगे उनको निगेटिव लैटिट्यूड बोलेंगे सिमिलरली जो आपके डिपार्चर ईस्ट में होंगे उनको पॉजिटिव और जो डिपार्चर आप वेस्ट में डिफाइन करोगे उसको निगेटिव की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे क्लियर है तो अब ये लाइन मुझसे पूछी गई थी अच्छा भाई देखते हैं तो ये ईस्ट हो गया ये वेस्ट हो गया ये वेस्ट हो गया ये नॉर्थ हो गया ये साउथ हो गया मुझसे बोला गया आपको वो लाइन लोकेट करनी है। आपको वो वो लाइन लाइन लोकेट लोकेट करनी करनी है है जिसका लैटीट्यूड जो है वो प्लस सत्तर है मतलब ये नॉर्थ में होगा प्लस का मतलब क्या है ये लैटीट्यूड जो होगा वो नॉर्थ में मेजरमेंट होगा तो आपने ये पॉइंट लोकेट किया प्लस सत्तर डिपार्चर जो है वो प्लस तीस है डिपार्चर जो है वो प्लस तीस है प्लस का मतलब ईस्ट तो तुम्हें नहीं लगता ये लैटीट्यूड एंड डिपार्चर दे रखे गए मेरे लाल मेरे लाल तुम मानो या ना मानो और क्यों नहीं मानोगे मानो या ना मानो फिर क्यों नहीं मानोगे ये इस लाइन की बात करी जा रही है तुमसे दिस इज द लाइन ए बी जिसका लैटीट्यूड प्लस सत्तर है डिपार्चर प्लस तीस है सर मेरे पास टेप बस है मैं लोकेशन निकाल लूंगा अगर लैटीट्यूड और डिपार्चर बस पता हो तो देखो बता तो दिए इफ यू नो द लेटीट्यूड एंड डिपार्चर यू कैन लोकेट द लाइन इफ यू नो द लेटीट्यूड एंड डिपार्चर यू कैन लोकेट द लाइन हो तो मैंने एग्जांपल से करके दिखा दिया बताओ भाई ूड एंड डिपार्चर वी कैन लोकेट द लाइन ए बी मुझे इसकी लेंथ नहीं पता है मुझे इसकी बियरिंग नहीं पता है बट विथ द हेल्प ऑफ द लैटीट्यूड एंड डिपार्चर वी कैन ऑल्सो लोकेट द लाइन ए बी यही तो खेल है यही तो खेल है आई होप द एंटायर डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर है नो yes no. चलो तो आज हम लोगों ने बात कर ली थोड़ी सी क्लोजिंग एरर के बारे में वी हैव अबाउट द क्लोजिंग क्लोजिंग एरर एरर थोड़ा सा डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया के बारे में वी हैव ऑल्सो डिस्कस अबाउट द दैटीट्यूड एंड डिपार्चर लैटीट्यूड और डिपार्चर के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है और आई होप यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर है और yes नो ठीक है तो इसके आगे डिस्कशन हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं गेट so और ई एस सी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करते रहिए साथ साथ जो जो टॉपिक्स कंप्लीट होते जा रहे हैं उनके क्वेश्चन भी लगाते रहिए टू गेट मोर अंडरस्टैंडिंग एंड क्लियरिटी अबाउट ऑल द कंसेप्ट कल भी आपकी क्लास का टाइम ग्यारह बजे ही है। और डोंट मिस दिस ऑफर एंड दो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी तो आज ट्वेंटी जुलाई तक आपके पास एक ऑफर है जहां पर आप ट्वेंटी परसेंट का ऑफ अवेल कर सकते हैं और साथ साथ एक्सटेंशन भी मिल रहा है आपको आपके सब्सक्रिप्शन में तो आप सभी लोग इस ऑफर को एक्टिवेट करिए इस कोड को अप्लाई करिए एंड गेट द बेनिफिट ऑफ ऑल द ऑफर और सिंपली स्टार्ट योर प्रिपरेशन तो लास्ट जो सिक्स मंथ हैं उनको बिल्कुल इफेक्टिवली आप अपने यूटिलाइज करके अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं ठीक है तो डोंट वेस्ट योर टाइम सिंपली स्टार्ट योर प्रिपरेशन और ज्वाइन द बैचेस फॉर योर प्लस एंड सब्सक्रिप्शन यू कैन यूज दिस ऑफर ऑफ अनलॉक आईकोनिक्वेंटी एंड एक्सटेंशन तो आप सभी लोग ऐसे क्या फीचर्स हैं सर ऐसे क्या फीचर्स हैं प्लस और आईकोनिक में जिसकी हेल्प से हम अपनी प्रिपरेशन को इंप्रूव कर पाएंगे और बेटर कर पाएंगे तो यू मे रिफर दिस स्लाइड आप इस स्लाइड को रिफर कर सकते हैं फॉर द फीचर्स ऑफ योर प्लस एंड आईकोनिक सब्सक्रिप्शन तो ये जो शुरू के चार फीचर आप देख पा रहे हैं लाइक क्लासेस फ्रॉम द टॉप एजुकेटर डाउट क्लियरिंग सेशन स्टडी नोट और टेस्ट सीरीज ये फीचर्स आपको मिलने वाले बोथ इन प्लस एंड आईकोनिक एंड दीज आर द फीचर्स दैट यू विल गेट इन द केस ऑफ आईकोनिक सब्सक्रिप्शन फिजिकल नोट वन टू वन लाइव इंटरशिप प्रोग्राम स्ट्रेटजी एंड स्टडी प्रोग्राम एंड लाइव ऑडियो इंट्रेक्शन ड्यूरिंग द ओपन हाउस फॉर प्लस और फॉर आइकोनिक फॉर बोथ द सब्सक्रिप्शन प्रोसेस यू कैन यूज दिस कोड टू अवेल द ऑफर आप सभी लोग इससे ऑफर को अपने एक्टिवेट कर पाएंगे और ऑफर क्या है यू विल गेट ट्वेंटी परसेंट ऑफ ऑन योर प्लस एंड आईकोनिक सब्सक्रिप्शन दिस इज द लिंक ऑफ माइ टेलीग्राम ग्रुप तो यू कैन सिंपली सर्च के के एस्टन ऑन द टेलीग्राम और यू कैन फॉलो दिस लिंक टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप एंड इन दिस ग्रुप यू विल गेट तो 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 सभी सभी के के आपको पर मिल जाएंगे। लोग इसको कर कर लेंगे। से आप अपनी को पाएंगे। और के लिए भी आप इस कोड को यूज कर सकते हैं टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन कॉस्ट तो फॉर प्लस यू कैन गो फॉर दिन ट्वेंटी फोर मंथ सब्सक्रिप्शन सो दिस इज द प्राइजिंग फॉर योर प्लस सब्सक्रिप्शन जो कि

You can subscribe the channel and hit the bell icon for the regular update about all the classes. So, this was all about for this class. Thank you, everyone. Keep learning. It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete. Crack. Conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best to bring out the best in you. Unacademy combat is the most competitive, gamified contest for gate till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream. Deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy combat. Register now.